नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वाराणसी से खबर की शुरुआत करेंगे, जहां पर पूर्व विधायक अजय राय की पेशी हुई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने के लिए पेश हुए थे अजय राय। मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बता चुके हैं अजय राय। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुरक्षा देने का आदेश दिया था, आदेश के बाद भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली। ये बड़ी और अहम जानकारी वाराणसी से, जहां पर पूर्व विधायक अजय राय की आज पेशी हुई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने के लिए अजय राय पेश हुए। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बता चुके हैं अजय राय, और इसी के साथ उन्होंने सुरक्षा की गुहार भी कोर्ट से लगाई थी। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट ने सुरक्षा देने का उन्हें आदेश दिया था, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। और वाराणसी से हमारे संवाददाता जमील अहमद हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जमील, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी यहाँ पर राय रखी कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी, इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने अजय राय को सुरक्षा व्यवस्था देने की जिला प्रशासन को आदेश दिया था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था उनको नहीं मिल पाई, शायद इसी वजह से उनको डर है जान का खतरा मुख्तार अंसारी की से। हालांकि जिस तरीके से बताया कि उनके भाई अवधेश राय की हत्या के बाद वो मुख्य चश्मदीद गवाह थे और एमपी एमएलए कोर्ट लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब गठन हुआ बनारस में एमपी एमएलए कोर्ट, तो अब पहली बार ये था, पहली तारीख थी और जहां पर अजय राय पहुंचे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर उनको चूक दिखी और उनको जान का खतरा है। और यही वजह है कि वो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा साफ साफ कि मुख्तार अंसारी से हमें जान का खतरा है, कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। जमील, क्या आगे उन्हें सुरक्षा व्यवस्था शासन द्वारा दी जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से वो लगातार मीडिया में आकर अपने सुरक्षा की बात करते हैं और शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी जान को खतरा है, जिसमें कि जिला प्रशासन हमें सुरक्षा दे। अब देखना होगा कि आगे बनारस कमिश्नरेट किस तरीके की भूमिका निभाती है, क्योंकि अजय राय लगातार मीडिया में आकर अपनी जान की खतरा बताते रहे हैं और सुरक्षा की गुहार लगाते रहे, लेकिन अभी तक जो अनदेखी देखी गई है वो साफ दिख रहा है। और आज जब न्यायालय में अजय राय पहुंचे हैं गवाही देने के लिए, उस दौरान भी सुरक्षा की चूक रही है, और यही वजह है कि मीडिया में आकर उन्होंने एक बार फिर से चिंता जाहिर की कि हमारी जान की खतरा है, कभी भी मुख्तार अंसारी हमें मरवा सकते हैं। इसलिए अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरीके से अगली तारीख या कब तक उनको सुरक्षा। ठीक जमील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।